मौसम विभाग ने मुंबई थाने समेत उत्तरी कोणार्क के कई इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव पैदा होने की वजह से तेलंगाना और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ की सेना जुटी हुई है। लोगों को बचाने के लिए बोट की मदद ली जा रही है। वहीं दो हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाई पर रखा गया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में बुधवार रात से मूसलाधार बारिश जारी है। पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया है। यहां घरों, सड़कों, गलियों में घुटनों से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई थाने समेत उत्तरी कोणार्क के कई इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर तेलंगाना में मंगलवार और बुधवार को हुई बारिश के बाद बिगड़े हालात में मरने वालों का आंकड़ा 30 हो गया है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने दो रेस्क्यू टीम कर्नाटक और तीन महाराष्ट्र भेजी है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारी बारिश की वजह से उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए कैसे कार्य किया जा रहा है। कर्नाटक निरावरी निगम लिमिटेड के मुताबिक महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से सेना बैराज से 2,23,000 क्यूसेक पानी अफजलपुर कलबुर्गी जिले में भीमा नदी में छोड़ा गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र में अगले 12 घंटे में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। प्रभावित इलाकों में नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।